नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। द ताशकंद फाइल्स फिल्म का रिव्यू करेंगे, इसके पॉजिटिव पॉइंट जानेंगे, इसकी खामियां जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम खामियों के बावजूद क्यों इस फिल्म को एक बार देखना तो बेहद जरूरी है और जानेंगे कि ज्यादातर क्रिटिक्स ने क्यों इस फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया है। एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम्स ने तो इस फिल्म का रिव्यू करने में सारी हदें ही पार कर दी। ऐसी क्या परेशानी इस फिल्म से हमारे क्रिटिक्स को हो रही है? तो दोस्तों, जैसा कि हमें ट्रेलर से ही पता चल गया था, इस फिल्म की कहानी घूमती है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के आसपास। लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद जाते हैं, पाकिस्तान के साथ एक समझौता साइन करते हैं और उसी रात को उनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पीछे की ये जो संदेहास्पद परिस्थितियां हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये फिल्म उनको एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म की कहानी घूमती है एक यंग लेकिन बहुत ज्यादा एम्बिशियस पत्रकार, जो किरदार निभाया है श्वेता बासु ने, उनके चारों तरफ। एक दिन श्वेता बासु के कैरेक्टर को टेलीफोन पर एक एनोनिमस टिप मिलती है शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में। वो उस टिप का इस्तेमाल करते हुए अपने अखबार में एक स्टोरी छाप देती हैं, जिसके बाद सरकार को शास्त्री जी की मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी बिठानी पड़ जाती है। फिल्म की कहानी फिक्शनल है, शास्त्री जी की मृत्यु के आसपास की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये फिक्शनल कमेटी का गठन फिल्म में किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की वीकनेसेस यानी के खामियों की। सबसे बड़ी खामी इस फिल्म की मुझे लगी इसकी स्क्रिप्ट। यह फिल्म 1 घंटे 44 मिनट का रन टाइम डिजर्व नहीं करती। इसकी स्क्रिप्ट कम से कम 20 से 25 मिनट छोटी की जा सकती थी। स्क्रिप्ट को और ज्यादा टाइट, शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाया जा सकता था, जिससे कि और ज्यादा टाइट हो जाती, नेल बाइटिंग पॉलिटिकल थ्रिलर बन जाती। फिल्म के कुछ सीन्स देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये सीन सिर्फ और सिर्फ फिल्म की लंबाई को बढ़ाने के लिए इसमें डाले गए हैं, सीन्स की जरूरत नहीं थी। ये जो फिक्शनल कमेटी बनाई गई है, जो शास्त्री जी की मृत्यु के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक दूसरे के साथ लोग बहस कर रहे हैं, उसमें कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि फिल्म में जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ाने के लिए घुसाए गए हैं। इस फिल्म की दूसरी खामी यह है कि इसमें एक अत्यंत ही टैलेंटेड कास्ट को काफी हद तक वेस्ट कर दिया गया है। श्वेता बासु के अलावा इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, मंदिरा बेदी, विनय पाठक, पल्लवी जोशी, इन लोगों को उतना कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं मिला है, उतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स नहीं मिले हैं। स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स के ऊपर उतना काम नहीं किया गया है जितने की रिच कैरेक्टर्स इनको चाहिए थे। ये सब बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनके कैरेक्टर्स पर थोड़ा सा और ज्यादा काम किया गया होता तो ये फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते। लेकिन सोर्स मटेरियल ही वीक था, यानी कि स्क्रिप्ट ही वीक थी, इसलिए इतनी टैलेंटेड कास्ट भी दर्शकों को एक पॉइंट के बाद नहीं बांध पाती और इसी वजह से फिल्म थोड़ी बहुत बिखरी बिखरी नजर आती है। इस फिल्म में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है श्वेता बासु को और उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की भी है। एक आम आदमी के लिए, एक आम पत्रकार के लिए पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस एस्पियोनाज की दुनिया कितनी थकाने वाली हो सकती है, कितनी माइंड बॉगलिंग हो सकती है, श्वेता बासु इसको अच्छे से कन्वे कर पाई हैं। अपनी मानसिक दुविधा को, मानसिक थकान को वो अच्छे से कन्वे, अच्छे से पोर्ट्रे कर पाई हैं। लेकिन बार बार स्क्रीन पर उनको चिल्लाते हुए देखना, उनकी एक्टिंग एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा थकाने लग जाती है, लेकिन क्लाइमैक्स पर आते आते श्वेता बासु एक बार फिर से फॉर्म में आ जाती हैं। तीसरी बड़ी खामी इस फिल्म की है इसका म्यूजिक। यदि फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो ये पॉलिटिकल थ्रिल जॉनरे की जो फिल्में हैं उस जॉनरे के साथ न्याय नहीं करता। इस प्रकार की फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा होता है कि वो टेंशन क्रिएट करता है, फिल्म की जो टेंशन है उसमें ऐड करता है, माइनस नहीं करता, और यहीं पर फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा फेल हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों इन सारी खामियों के बावजूद भी आपके लिए इस फिल्म को एक बार देखना तो बेहद आवश्यक है। इन सारी खामियों के बावजूद भी ये फिल्म जो सवाल उठाती है वो वैलिड सवाल हैं, वो वैध सवाल हैं। ये फिल्म कहती है कि आजादी से लेकर आज तक हर प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्रा पर जाता है तो उसके ट्रेवल लॉग को मेंटेन किया जाता है, यानी कि उसकी यात्रा के हर मिनट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो फिर शास्त्री जी की ताशकंद यात्रा को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया, उनकी ताशकंद यात्रा का ट्रेवल लॉग
कहाँ है। यह फिल्म कहती है कि जिन परिस्थितियों में शास्त्री जी की मृत्यु हुई वो परिस्थितियां संदेहास्पद थीं। ऐसा शास्त्री जी के स्टाफ का भी मानना था, शास्त्री जी के परिवार का भी मानना था। तो बावजूद इन संदेहास्पद परिस्थितियों के शास्त्री जी के शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। यह फिल्म सवाल पूछती है कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कई दशकों तक कांग्रेस पावर में रही तो कांग्रेस ने कोई भी कमिटी क्यों नहीं बिठाई जो शास्त्री जी की मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन कर सके। यह फिल्म एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात कहती है, वो ये है कि या तो शास्त्री जी की मृत्यु नेचुरल कारणों से हुई थी और यदि नहीं तो फिर उनका मर्डर हुआ था, और यदि मर्डर हुआ था तो मर्डर के पीछे हमेशा कुछ मोटिव्स होते हैं और ये फिल्म उन मोटिव्स को भी एक्सप्लोर करती है। जैसे कि मोटिव नंबर वन की कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी या फिर कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में ये फिल्म ये भी कहती है, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस केजीबी के पेरोल पर थी, केजीबी का गुलाम थी। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपको सैकड़ों किताबें ऐसी मिल जाएंगी अमेरिकन और खुद रशियंस द्वारा लिखी गई जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि कांग्रेस केजीबी के पेरोल पर काफी समय तक थी। ये फिल्म इंदिरा गांधी के ऊपर भी आरोप लगाती है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को सिर्फ और सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लाया गया था, जैसे कि मनमोहन सिंह जी को लाया गया था राहुल गांधी के स्टेपिंग स्टोन के तौर पर। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी को इंदिरा गांधी के लिए स्टेपिंग स्टोन प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, मोरारजी देसाई को पावर से दूर रखना, ये इंश्योर करना कि मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के रास्ते का कांटा भविष्य में ना बन पाए। उनको एक कमजोर प्रधानमंत्री माना जाता था और ज्यादातर कांग्रेसी स्पेशली जो इंदिरा गांधी के सर्कल के नेता थे वो लाल बहादुर शास्त्री की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते थे, उनको एक कमजोर प्रधानमंत्री मानते थे। लेकिन 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाती है और उस युद्ध में जिस प्रकार के निर्णय, स्ट्रॉन्ग निर्णय, कड़े निर्णय जो लाल बहादुर शास्त्री जी लेते हैं वो रातों रात हीरो बन जाते हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो चरम पर पहुंच जाती है और ये पक्का हो जाता है कि अगले प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे, ना कि इंदिरा गांधी। तो 1965 वॉर और जय जवान जय किसान के नारे की वजह से जो शास्त्री जी की पॉपुलैरिटी आसमान पर पहुंच गई थी, वो देश के हीरो बन गए थे, उसको भी एक पीड़ा बताया गया है कांग्रेस के एक वर्ग के लिए, कि कांग्रेस के वर्ग के लिए ये एक मोटिव हो सकता था जिसकी वजह से शास्त्री जी को मरवाया गया। ऐसे इशारे भी ये फिल्म करती है। तो बॉटम लाइन ये है कि इस फिल्म में जो सवाल उठाए गए हैं वो कुछ लोगों को ओवर द टॉप लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा वैलिड सवाल है, क्योंकि ये बात सच है कि ट्रूथ कैन बी स्ट्रेंजर देन द फिक्शन। जो सच्चाई है वो फिक्शन से ज्यादा स्ट्रेंज हो सकती है और शास्त्री जी के केस में भी संभव है कि ऐसा कुछ हो। अपनी सारी खामियों के बावजूद विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म द ताशकंद फाइल्स एक बहुत ही ब्रेव फिल्म है। इस प्रकार की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्में हमारे देशों में नहीं बनती और बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस प्रकार की फिल्में अच्छी हों या बुरी हों लेकिन थोड़ी बहुत सफल हो जाएं, प्रोड्यूसर्स के पैसे रिकवर हो जाएं, जिससे कि ऐसी फिल्में दोबारा भी बन पाए। यदि ऐसी 10 फिल्में बनती हैं तो कम से कम उनमें से 3 फिल्में तो अच्छी होंगी, अगर 7 बुरी भी होंगी तो। अब बात करते हैं कि बाकी के क्रिटिक्स को, NDTV, हिंदुस्तान टाइम्स, Call.in, इंडिया टुडे को इस फिल्म से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हुई है। इतने बुरे रिव्यूज तो उन्होंने कमाल आर खान की देशद्रोही को भी नहीं दिए थे जितने की द ताशकंद फाइल्स को दिए हैं। NDTV इस फिल्म को एक शब्द में समराइज कर देता है और वो शब्द है जंक, यानी के कूड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स इस फिल्म को कहता है अ डिस्गस्टिंग प्रोपेगेंडा, एक घिनौना भद्दा प्रोपेगेंडा, और कुछ इस प्रकार के ही रिव्यूज दिए हैं Scroll.in और इंडिया टुडे इत्यादि ने। अब NDTV की मजबूरी तो समझ में आती है, क्योंकि शायद इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है इसलिए उनकी पीड़ा इतनी ज्यादा है। एक तो विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है जो NDTV से बिल्कुल अलग विचारधारा रखते हैं, और दूसरा एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है, देश की राजनीति से एक सेंसिटिव विषय से जुड़ी हुई फिल्म है, इसलिए मैं NDTV की पीड़ा को समझ सकता हूं। शायद इस फिल्म को किसी और ने डायरेक्ट किया होता, अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया होता और ये फिल्म बिल्कुल ऐसी ही होती जैसी बनी है, तो NDTV इस फिल्म की वाह वाह करता हुआ नहीं थकता।
मैं एनडीटीवी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कभी हमारी इतिहास की किताबों के बारे में, हमारी हिस्ट्री बुक्स के बारे में भी इतना आउटराइटली क्रिटिसिज्म दिया है जितना कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में दिया है? क्योंकि ये फिल्म भी इतिहास के एक पहलू को ही एक्सप्लोर करती है, उसके ऊपर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को एक्सप्लोर करती है। हमारी इतिहास की किताबों को या तो आप प्रोपेगेंडा कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं, ऐसे ही इस फिल्म को भी या तो आप प्रोपेगेंडा कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं। और मेरी नजर में, मेरे हिसाब से ये फिल्म एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रही है, प्रोपेगेंडा कहना इसको ठीक नहीं होगा। अंत में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को देखने एक बार तो जरूर जाए। इस फिल्म में खामियां हैं, लेकिन बावजूद उसके भी इस फिल्म को देखना बनता है। आप इस फिल्म को देखने के बाद चीटेड फील नहीं करेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। इस फिल्म में शास्त्री जी की कई सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारी हिस्ट्री की किताबों से गायब हैं। ऐसी चीजें जो हम सोचते थे कि कांग्रेस ने की हैं, ये फिल्म देखने के बाद हमें पता चलेगा, नहीं, वो अचीवमेंट्स लाल बहादुर शास्त्री जी की हैं, ना कि कांग्रेस की। यदि आप भी ये फिल्म देख चुके हैं तो आपका इस फिल्म के बारे में क्या सोचना है, आपको ये फिल्म कैसे लगी, प्लीज कमेंट्स में बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।